मंदसौर में 13 अप्रैल 2023 को आदित्यनाथ विहार कॉलोनी में एक महिला जैन मंदिर से दर्शन कर अपने घर लौट रही थी, तभी महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हो गई। घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस एक्शन में आई थी और आज प्रेस वार्ता में पुलिस कप्तान ने वारदात का खुलासा कर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि 13 अप्रैल 2023 को आदिनाथ विहार कॉलोनी में एक महिला जैन मंदिर से दर्शन कर अपने घर लौट रही थी, उनके साथ चेन स्नेचर की घटना हुई थी। पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति का चेहरा क्लियर हुआ था। पुलिस लगातार प्रयास में लगी हुई थी। कल हमको सफलता हासिल हुई, आरोपी चेन बेचने के लिए बस स्टैंड पर घूम रहा था, तब उसे हिरासत में लिया गया। जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूला और चेन भी बरामद कर ली गई। पूर्व में भी आरोपी पर 6 अपराध रजिस्टर है। थाना अफजलपुर में आरोपी न ही मोबाइल का उपयोग करता और न ही किसी वाहन का उपयोग करता है, इसलिए इसको टेक्निकल लेवल पर हिरासत में लेना मुश्किल हो रहा था। मैं रूपचंद आराधना भवन सचिव संदीप जैन और हम पुलिस प्रशासन के बहुत बहुत आभारी हैं, एसपी साहब के और टीआई साहब, इन सब के, जिन्होंने बहुत तत्परता से इस मामले को देखा और बहुत जल्द उस आरोपी को पकड़ा और हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनको रिलीफ दिलाई। मेरा नाम जयवंती बेन पामेचा है और मैं मंदिर जाती हूँ, रोज जाती हूँ मंदिर, मतलब अपने रूपचंद आराधना चौधरी कॉलोनी में। तो वहाँ से मतलब घर जा रही थी मैं, घर जाते समय वो महेंद्र जी चोरडिया के जो कच्चा मकान है उसके पास ही मेरे ये मिला सामने वाला ये चोर, और इसने मुझे एकदम आके ने चेन झपाटा मारा पीछे से। मेरे सामने से तो टल के निकल गया था ये, पर पीछे से झपाटा मार के ने मेरे गले की चेन तोड़ के भग गया। हाँ। तो पीछे दौड़े भी सही, पर वो तो भगा बालाजी के पीछे वाली गंदी गली में भगा है, तो मैं भी गई पीछे पीछे, पर अब मैं इतनी दौड़ नहीं सकती थी ज़्यादा। हाँ। तो सांस भरा गई, मैं थक गई, तो फिर मैं मेरे धीरे 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 ढूंढती रही पर मिला नहीं। तो फिर मैं घर जाके ने अपने बेटे के पास गई और इसको बुलाया ऑफिस से, और फिर थाने रिपोर्ट लिखाने गई। उसी चेन वापस मिली है, चोर वापस। हाँ, उसी टाइम टीएवी साहब वगैरह सब आ गए थे, सबने उसी टाइम एसपी साहब वगैरह सभी आ गए थे, उन सब जने बहुत मदद करी है। क्या चेन मिल गई आपकी? चेन तो अब सब मिली, अभी उनको पकड़ा गया चोर, तो मिली जाएगी। कितने ग्राम की चेन थी? 15 ग्राम। क्या नाम आपका? जयवंती बिन पामे। ठीक है। 13 अप्रैल 2023 को आदिनाथ विहार में एक पौश इलाका है मंदसौर का, जहाँ पे एक महिला जो कि जैन मंदिर के दर्शन करके लौट रही थी, उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। तुरंत ही टीमों को लगा दिया गया था और सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल डेटा कलेक्ट किया गया था। उसी बेसिस पे एक व्यक्ति का चेहरा क्लियर हुआ था जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, परंतु आप लोगों के माध्यम से और अन्य सोर्सेज से वो काफ़ी जगह फ़ोटो सर्कुलेट कर लिया गया था, और पुलिस पार्टी भी नज़र लगाई हुई थी क्या क्या जो उसके संभावित स्थान थे जहाँ पे वो बेचने आने की संभावना थी उस पर वर्क लगे हुए थे। तो कल इसमें हमें सफलता हासिल हुई, जिसमें कि हमारे कांस्टेबल के द्वारा ये बस स्टैंड पे जब घूम रहा था चेन बेचने के लिए, तब उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया और हिरासत में लिया गया। जब इसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इसने ये लूट की घटना कारित करना कबूल किया और इससे वो चेन भी बरामद कर ली गई है। सर, इनके आपराधिक मामले पूर्व में इसके ऊपर भी 6 अपराध रजिस्टर है थाना अफजलपुर में, और इसके द्वारा 9 अप्रैल को भी सिमिलर घटना कारित करने की कोशिश की गई थी, परंतु वो लॉकेट जो था वो नकली होने के कारण विक्टिम के द्वारा उस पर FIR नहीं की गई थी, उसमें भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसका कोई साथी नहीं है? नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करता, जैसा कि हमने फुटेजेस वगैरह में भी देखा था, ये चेन स्नैचिंग करके दौड़ता हुआ ही पैदल ही दौड़ता जा रहा, ना कोई वाहन का प्रयोग किया ना ही मोबाइल का उपयोग किया, इसलिए वैसे टेक्निकल लेवल पे पकड़े जाना इसका मुश्किल हो रहा था, परंतु जो हमारा पुराना तरीका है जिसमें कि फोटो सर्कुलेट करना, उसी से इसको हमने पकड़ा। मंदसौर से PD बैरागी की रिपोर्ट।